अंजलि। हाँ अंजलि, यार मेरे पर्स से पैसे कहाँ गए? नहीं, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले आपके पर्स से। यार हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में, और कोई तो रहता नहीं जो मेरे पैसे कोई और निकाल लेगा। कभी 200, कभी 400, कभी 500, या हमेशा मेरे पैसे निकलते रहते हैं। या मुझे समझ नहीं आता कि धरती निकल जाती है या आसमान निकल जाता पैसे मेरे। अरे तो तुमने पैसे गिनकर रखे थे क्या? गिन के नहीं रखता यार, लेकिन मुझे आइडिया रहता कि मेरे पर्स में कितने पैसे होते हैं। अरे तो तुमने ही पैसे कहीं खर्च किए होंगे, तुम्हें याद नहीं होगा। याद करो अच्छे से, कहीं खर्च कर दिए होंगे, भूल गए होगे तुम। पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं मेरे पैसे। जब देखो तब पैसे गायब हो गए, खुद रख के भूल जाते हो, मेरे को बोलते। सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, आज बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरा ना ओरियो केक खाने का मन कर रहा है, खिला दो ना प्लीज़। यार तुम आजकल ज़्यादा खर्चीली नहीं हो रही हो। यार देखो ना, एक तो तुम्हारी इकलौती बीवी है, क्या तुम उसकी ख्वाहिशें भी नहीं पूरी करोगे? ऊपर से केक खाए कितने दिन हो गए हैं यार, बहुत मन कर रहा है, खिला दो ना। ठीक है, जब मैं ऑफिस से आऊँगा शाम को लेता हुआ आऊँगा। शाम को खा के क्या करूँगी, मन तो अभी कर रहा है, अभी खिला दो ना, कह रही हूँ ना बहुत मन कर रहा है यार। ठीक है फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं ऑर्डर मत करो, देखा है बाहर कितनी गर्मी हो रही है, वो डिलीवरी बॉय केक लेकर आएगा, सारा केक तो खराब हो जाएगा, नहीं खाना मुझे ऐसा केक। तुम एक काम करो ना, तुम मुझे 500 रुपये दे दो, मैं खुद चली जाऊँगी कैफे और केक खा के आ जाऊँगी, दे दो ना। देख रहा हूँ मैं, दिन पर दिन तुम्हारे शौक बढ़ते जा रहे हैं और खर्चे उससे ज़्यादा। दिन शुरू हुआ नहीं कि पैसों की डिमांड करने लगी। ये लो 500 रुपये। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय। सुनो, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए घर खर्च के लिए। अरे यार तुम कितना खर्चा करती हो, कितने पैसे चाहिए होते तुम्हें? अरे मैं थोड़ी ना खर्च करती हूँ, मैं तो घर के खर्च के लिए पैसे मांग रही हूँ। राशन खत्म होने को है, मंथ एंड चल रहा है, खत्म क्या खत्म हो गया है। ये लो, ये 3000 रुपए, इनसे खर्च चला लेना। 3000 रुपए? 3000? 3000 में कौन सा राशन आता है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? कम से कम 10-11 हजार रुपए दो, वो भी कम पड़ेंगे। अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या, जब मैं राशन लाता था 2-3 हजार में हो जाता था। अरे यार तुम ऐसा कौन सा राशन ला रही हो जो 10-12 हजार रुपए चाहिए? वो तब होता होगा, अब नहीं होता। कम से कम 10-11 हजार रुपए दो मुझे घर खर्च के लिए। अरे यार कहाँ से लाऊं मैं 10 हजार रुपए, जब टोटली मेरे पास 9 हजार रुपए पड़े हुए हैं। अब खुद के खर्चे भी तो होते हैं, 1000-1200 रुपए मेरा भी तो खुद का खर्चा है। चलो ऐसा करता हूँ, 1000 रुपए अपने पास बचा लेता हूँ, 8000 रुपए तुम्हें दे देता हूँ, रुको देता हूँ। मैं तो चला लूंगी 8000 में खर्चा, फिर मुझसे मत कहना रोज रोज दाल बनाकर रख देती हो, कभी कुछ नया भी बना लिया करो, खाओ तुम दाल अब। अरे यार मैं तो खा लूंगा दाल, तुम बस खर्चे कम कर दो। ये 4000 घर खर्च के लिए और ये 2000 ये मेरी सेविंग के लिए, कहाँ रखूँ इन्हें? एक काम करती हूँ, अभी यहाँ रख देती हूँ। अरे आ गए तुम, पता है आज मैं आपका फेवरेट बैंगन का भरता बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? क्या हुआ आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, कुछ हुआ है ऑफिस में? सब ठीक तो है ना? अरे यार जिसके साथ मैं ऑफिस जाता हूँ उससे लड़ाई हो गई आज मेरी। क्यों यार? हमेशा मैं उसका 10-15 मिनट वेट कर लेता था, लेकिन आज उसने हद कर दी यार। मैंने उसका आधे घंटे तक वेट किया और जब मैंने फ़ोन किया उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। उसके बाद उसका फ़ोन आया 20-25 मिनट बाद। अब बताओ यार मैं क्या करूँ यार? या उसे जब ऑफिस नहीं जाना था तो पहले बता देता, आज मैं बस में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुँचाऊँ। जब 1-1.5 घंटे बाद मैं ऑफिस पहुँचाऊँ तो बॉस ने मुझे डांट मारी। अब बताओ मैं क्या करूँ यार? आपको पता तो है उस इंसान का नेचर ही अच्छा नहीं है, वो हमेशा आपके साथ ऐसा ही करता है, आप उसके साथ जाना बंद कर दो। फ्री में थोड़ी ना जाता हूँ यार, बराबर पेट्रोल के पैसे देता हूँ। बहस हो गई यार आज, बोल रहा जब इतना ही है तो अपनी गाड़ी से जा,
या अपनी कोई बाइक ले ले। मैंने ही बोल दिया कि ले लूँगा यार, पर लूँ कहाँ से यार, अकाउंट में डाउन पेमेंट करने तक के पैसे नहीं है। अगर नहीं लिया, ऑफिस ऐसे ही चला गया तो अलग बेइज्जती होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपकी बाइक के लिए कितनी डाउन पेमेंट जाएगी? यार कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तो चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। अच्छा आप ना रुकिए, अभी मैं आती हूँ। ये लो पूरे 26,000 रुपए। 26,000? ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अब मैं वो तो तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि ये निंजा टेक्निक है, बोले तो मेरा सीक्रेट है। इसकी जानने की सोचना भी मत, क्योंकि ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये पकड़ो पैसे। अगर अभी ये मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर कभी मैं तुम्हारे आगे हेल्प ही नहीं कर पाऊंगी, तो तुम ना इसे सीक्रेट ही रहने दो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच यार, मुझे तो लगा तुम पैसे उड़ाती हो, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। आपकी डाउन पेमेंट तो करा दी मैंने, तो पार्टी करना तो बनता है ना, तो आप ना मुझे 500 रुपये दे दो, क्योंकि मैं बाइक की खुशी में पिज़्ज़ा पार्टी करूँगी, वो भी अकेले। लाओ 500 रुपये। ठीक है, कल हम दोनों चलेंगे साथ में बाइक लेने। ठीक है, और ना सब्जी तो मैं बना रही हूँ, रोटी तुम बना लेना। मैं? हाँ तुम। चलो ठीक है। तो बैठे क्यों, जाओ जल्दी रोटी बनाओ, टाइम लगता है उसमें।